नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छठ पर्व का हुआ समापन। कोयलांचल के विभिन्न घाटों पर आज दिया गया अर्घ। कोयलांचल के तहसील परासिया, तहसील जुन्नार देव में दिवाली के बाद मनाए जाने वाले छठ त्योहार 5 दिन के बाद आज सुबह बड़े धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। कोयलांचल के विभिन्न घाटों पर आज प्रातः सूर्य देव को अर्घ देकर इस पर्व का जोश के साथ समापन हुआ। तहसील परासिया के अंतर्गत झुर्रेमाल, छिंदा, सेठिया, न्यूटन एवं चांदा मेटा घाटों पर बड़े धूमधाम के साथ पर्व का समापन हुआ। 5 दिन तक चले इस पर्व को विभिन्न घाटों पर प्रतिदिन विधिवत पूजन के साथ आरंभ किया गया था। हर घाटों पर साज सज्जा के साथ साथ उसे नदी के तट के हिसाब से बनाया गया था, ताकि माताएं बहनें छठ मैया की पूजन विधिवत करके छठ मैया को प्रसन्न कर अपने पति की आयु दीर्घायु के रूप में परिवर्तित कर सकें। कड़ा उपवास करने के प्रचलन को सभी माताओं और बहनों ने विधिवत पूजन के साथ पालन किया और अंतिम दिन सूर्य देव को अर्घ देकर अपना उपवास खोला। विभिन्न प्रकार के फलों के साथ छठी मैया को जल में खड़े होकर प्रसन्न करने का सभी माताओं और बहनों ने पूरा निष्ठा के साथ पूजा अर्चना की और सोमवार की सुबह सभी माताओं और बहनों ने सूर्य देव को अर्घ देकर अपने 5 दिन की पूजा पाठ को सफल बनाने की प्रार्थना। माताओं और बहनों ने 36 घंटे तक निर्जल उपवास रखते हुए छठी मैया को प्रसन्न किया। परासी के झूले ग्राम में विधायक सोहन वाल्मीकि से लोगों ने हनुमान मंदिर में CCTV कैमरा लगाने एवं ओपन जिम खोलने की मांग की, जिसको विधायक ने तुरंत स्वीकृति करते हुए 15 दिन के अंतर उपरोक्त साधन को उपलब्ध कराने की अपनी मंशा जाहिर की। चिंता में भी बड़े धूमधाम से इस बार छठ पूजा का धूमधाम से मनाएंगे। छिंदवाड़ा जिला ब्यूरो, धनंजय वर्ष, मधुकर जोशी की रिपोर्ट।